इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं कि गाइस जो मैं कर रहा हूं वो आपको नहीं करना है, आपका मन जो करता है वो आपको करना है, लेकिन हाँ करना है, रुकना नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ एक चीज सोचा है जो कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि बेटा लाइफ में कुछ करो लेकिन करो, और नहीं करना है तो जाके मरो। लेकिन गाइस आज का इस लाइफ में अगर आप कुछ नहीं करते हो, बैठ कर रहते हो, दूसरों को देखते हो, तो गाइस मैं आपको कह देता हूं कि आपका जो टाइम बीत जाने वाला है ना वो वापस आपके पास नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा जो टाइटल है वो है पावर ऑफ बिजनेस। 600 रुपये से मैंने 1.5 लाख कमाया, वो भी 1 मंथ में। गाइस मैं आपको प्रूफ दूंगा इसका कि मैंने कैसे कमाया, और गाइस मैं 4 आप लोग को ऐसा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि अगर आपको किसी भी फील्ड में रहना है तो वो 4 चीज आपको एकदम करना ही पड़ेगा। क्या है वो बातें? एंड दोस्तों उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान से हूं, ठीक है, इंडिया से। एंड गाइस हमारे हिंदुस्तान में काम को लेकर के इतना गंदा मतलब वायरस फैला हुआ है कि आपको क्या बताऊं। अगर कोई बंदा ऐसी रूम में बैठ करके अगर प्रोफेसर बन जाता है तो वो नौकरी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई रोड साइड में अगर 10 लाख 20 लाख भी कमा ले, गाइस वो बहुत गलत काम है, बहुत गलत काम। ये नहीं देखता है कि कौन कितना सक्सेसफुल है, वो नहीं देखा जाता। सरकारी नौकरी है ना आपके पास, मेरा बेटी का मतलब भाई ऐसा ही कहा जाता है कि बेटी का शादी आप ही से देंगे अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो। अगर आप सरकार के नौकर हैं तो आपको ही बेटी मिलेगा सुंदर सुंदर। लेकिन गाइस हमारे जो हिंदुस्तान में ये सोच है कि सरकारी नौकरी वाला लड़का के ही साथ शादी देना है, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है अपने बच्चे को। तो ये है एक मतलब जो भी सच्चाई था मैं आप लोग को बताया। गाइस एक कहावत है, सरकारी नौकरी करके आप ऑल्टो ले सकते हो, लेकिन बीएमडब्ल्यू के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अब गाइस आप लोग बोलोगे कि कार्तिक भाई आप अचानक से बिजनेस में इतना इंटरेस्ट क्यों हो चुके हो? तो गाइस मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बचपन से मैंने बिजनेस का इतना कुछ पढ़ लिया है ना कि मैं मुझे अभी लगता है कि बिजनेस मेरे लिए बना है या फिर मैं बिजनेस के लिए बना हूं। लेकिन हाँ गाइस बिजनेस का कीड़ा बन चुका हूं एकदम। अब गाइस मैं आप लोग को बताने वाला हूं एक चीज कि जैसे कि बिजनेस में मैं आप लोग को इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों बना रहा हूं एंड आप लोग को आने के लिए क्यों कह रहा हूं। और एक बिजनेस नहीं, बिजनेस यहां पर इंडिया में बहुत सारा है, बस आपको करने का हुनर और तजुर्बा होना चाहिए और आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। क्योंकि देखिए आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है जानते हो? आप अपने ऊपर खुद विश्वास रखते हो। अगर आप अपने ऊपर खुद विश्वास नहीं रखोगे तो आपको कोई विश्वास नहीं करेगा इस दुनिया में। अब गाइस आप लोग सोचोगे कि इतना ज्यादा बिजनेस का क्यों बता रहे हो भाई? तो देखिए गाइस हमारे इंडिया में 2-3 चीज चलता है बहुत ज्यादा। जैसे कि फर्स्ट नंबर चल जाता है कि आप कोई नौकरी कर रहे हो या फिर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस ही गाइस 1 नंबर पे आता है। जो कि गाइस ये आप करके आपका आज यहां पर है अगर स्थिति तो आप यहां तक जा सकते हो। इसीलिए मैं इतना ज्यादा प्रमोट करता हूं बिजनेस को, क्योंकि गाइस आज हमारे भारत देश में लड़का ग्रेजुएशन करके भी बेरोजगार घूम रहा है, और इसलिए मेरा यह मकसद है कि जो मैंने ठाना है वो मुझे करके दिखाना है, ठीक है, और करके दिखा भी रहा हूं और प्रूफ भी दूंगा लास्ट तक कि कैसे मैंने 1 मंथ में 1.5 लाख अचीव किया है भाई, प्रूफ दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए मैं आप लोग को एक स्ट्रेटजी समझाना चाहता हूं। गाइस अगर आप लोग कोई जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, ठीक है, आप लोग कितना कमाते हो मंथली? मंथली मान लेते हैं गाइस 20,000 कमाते हो, ठीक है, 20,000 कोई भी ऐसा प्राइवेट जॉब में मिल जाता है नॉर्मली अगर थोड़ा सा अच्छा रहे तो, या फिर अगर कुछ थोड़ा कमजोर वाला जॉब रह जाए तो फिर 10-12 हजार मिल जाएगा आराम से। तो गाइस हम लोग मान लेते हैं कि मंथली आप 20,000 सपोज दैट कमा लेते हो, बचा लेते हो कितना? देखो अभी का खर्चा अगर मान के चले तो बचता कुछ नहीं, लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूं कि मंथली आपका बच जाता है 5K, 5,000 आप बचा लेते हो, ठीक है, कुछ भी मतलब कस्टमर्स से बचा लेते हो 5,000। गाइस एक महीना में 1 मंथली में मतलब 5K बचा रहा है, ठीक है, बचा दिया आपने। गाइस एक साल में कितना महीना होता? 12 महीना। 12 महीना में आपने कितना बचाया? तो 12 × 5 = 60। 60 10 साल में कितना हो गया गाइस? 10 साल में हो गया आपका 6 लाख। गाइज आज आपका उम्र अगर 20 साल का है
तो 10 साल बाद आपका उम्र हो जाएगा 30 साल, और उस टाइम के महंगाई के अनुसार ये जो आपका 6 लाख जो आपने सेविंग किया ना, ये आपका कुछ भी नहीं काम आने वाला है। एक अगर आप कुछ झोपड़ी भी लेने जाओगे ना तो वो भी 6 लाख का हो जाएगा आने वाले 10 साल में। तो आप बताओ कि क्या आपका इतना ही ड्रीम आप लोग लेकर के बैठे हो कि नहीं मुझे इतना ही करना है। अब एक चीज मैं आप लोग को और बताता हूं, जिस कंपनी में आप लोग काम करते हो और जहां आपको पैसा दिया जाता है ना, तो गाइज वो कंपनी आपके बदौलत से 2 लाख कमाता है तभी आपको 20,000 मंथली पेमेंट करता है फर्स्ट। और ये हो गया गाइज नौकरी, ये नौकरी का हो गया, भाई मेरा पेन भी नहीं चल रहा, ये हो गया नौकरी का स्ट्रेटर्जी जो भी है। ये आप नौकरी करोगे, प्राइवेट जॉब करोगे, कुछ करोगे तो ये आप करोगे। लेकिन बिजनेस, आज मान लो बिजनेस आप मंथली 10,000 कमा रहे हो, किसका है? आपका है। कल आपका बिजनेस हो सके आज यहां पर है, कल आपका बिजनेस यहां पर आ जाए, 50,000 कमाओगे मंथली, किसका होगा? आपका होगा। गाइज एक तो आप इसमें आपका मालिक भी नहीं हो, और एक तो इसमें आपका सेविंग्स भी नहीं है उतना ज्यादा, इसमें आप अपना मालिक भी हो, प्लस आपको ऊपर से बोलने वाला कोई नहीं है, आपका जब मन करे तब आप कर सकते हो। और इसमें जो सेविंग्स होगा गाइज, आज आपका अगर कंपनी या फिर कुछ भी आप दुकान वगैरह कर रहे हो, आप आज आपका छोटा है मंथली 5,000 कमा रहे हो, कल दिन हो सके गाइज मंथली आप 5 लाख भी कमाओ, वो आपका हो जाएगा और अपना मालिक बन जाओगे। ये हो गया मेरा समझाने का तरीका। लेकिन गाइज अब मैं आपको बताता हूं कि बिजनेस में अगर उतरना है तो गाइज आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर गाइज, अगर आपको बिजनेस में उतरना है तो फर्स्ट नंबर आपको देखना पड़ेगा कि अभी के टाइम पर अगर बिजनेस में आना है तो कंपटीशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर चलना पड़ेगा, कि अगर आप कंपटीशन कर सकते हो। गाइज अभी के टाइम पर क्या हो चुका है जानते हो, इंडिया में बिजनेस करो तो कंपटीशन है, कहीं पर जॉब करने जाओ तो कंपटीशन है। गाइज जानते हो 10 लाख फॉर्म की वैकेंसी भराती है तब जाके 200 बंदे सिलेक्ट होते हैं जॉब में, कंपटीशन। बिजनेस अगर आपको करना है तो आप सबको कंपटीशन कॉम्पीट कर पाओगे तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। सेकंड नंबर में आपको देख करके चलना है इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट लाख है तो ही आप थोड़ा सा मार्केट में टिक सकते हो, नहीं तो नहीं टिक सकते हो। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, फिर आपको बिजनेस थोड़ा हटके करना पड़ेगा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, या फिर आपको कहीं पर एक साल मेहनत करना पड़ेगा पहले और थोड़ा बहुत पैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो गाइस पैसा ही सब कुछ होता है, और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे ही बिजनेस को आगे चला पाओगे। दो नंबर हो गया, थर्ड नंबर हो गया गाइस टीम, आपके पास टीम रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीम के बिना आप बड़ा कुछ वर्क नहीं कर सकते हो। देखो अकेले मेहनत करोगे, अगर मैं एक घर बना रहा हूं, ठीक है मैं मिस्त्री हूं घर बना रहा हूं, मैं अकेले अगर करूंगा तो उस काम को करने में 30 दिन लग जाएगा एक घर को कंप्लीट करने में, वही मेरा अगर टीम रहे ना तो 15 दिन में वो काम हो सकता है। और पेमेंट जो होगा भाई, जो 30 दिन का पेमेंट मैं अकेला लूंगा वो सब में बांट दूंगा, काम तो जल्दी हो रहा है ना, तो हमको काम को करना है फास्ट और स्लो नहीं करना है, पैसा कम कमाओ काम फास्ट करो। बोला जाता है ना आप इधर बिजनेस में कि भाई कम कमाना है लेकिन सेल ज्यादा निकालना है ताकि मार्केट में फैल जाए। फोर्थ नंबर में गाइज आपको चाहिए आइडिया, फर्स्ट नंबर कंपटीशन, सेकंड नंबर इन्वेस्टमेंट, थर्ड नंबर टीम और फोर्थ नंबर आइडिया, ये चार चीज अगर आपके पास है तो आप बिजनेस में टिक पाओगे, वरना गाइज आपको थोड़ा सा टिकने में दिक्कत होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कर नहीं पाओगे, दिक्कत होगा बट कर लोगे। अब दोस्तों अगर आपके पास ये चार चीज नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? तो गाइज देखो चार चीज अगर रहेगा तो आप बिजनेस को बड़ा करोगे, चार चीज अगर नहीं रहेगा तो बिजनेस को आप छोटा से करोगे, लेकिन आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। लेकिन और एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं कि गाइज बिजनेस या फिर कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, जैसे कि आप लोग सोच लेते ना ये छोटा है वो बड़ा, भाई ऐसा कुछ सीन ही नहीं है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। मैंने कहा ना कि यहां पर इंडिया में बहुत ज्यादा वायरस फैला हुआ है काम को लेकर के, बहुत गंदा वायरस, कि कोई अगर रूम पे बैठ के काम कर रहा मंथली 10,000 कमा रहा तो वो जैसे साहब बोला जाता ना, साहब का तरह काम कर रहा, कोई अगर रोड किनारे मेहनत कर रहा मंथली 5 लाख कमा रहा लेकिन उसको वैल्यू नहीं दिया जाता, इंडिया का ऐसा सिचुएशन है। तो गाइज वो तो हो गया, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि पावर ऑफ बिजनेस एंड जो भी मैंने आप लोग को तरीका बता दिया, 600 रुपए से मैंने 1.5 लाख कैसे कमाया। गाइज ये मैंने ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू कमाया, अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है एंड बिजनेस पे इंटरेस्ट रखते हो तो गाइज आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और मेरा मोबाइल नंबर भी हो सके तो मैं डाल दूंगा। बाकी इस वीडियो का अगर आप लोग को पार्ट टू चाहिए, ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है, अगर आप लोग को पार्ट टू चाहिए तो इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट हो जाना चाहिए, पार्ट टू आप लोग के लिए बहुत तड़कता भड़कता एकदम आएगा जो कि आपके अंदर से जोश जगा देगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।